तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस टॉपिक में मैं आपको आने वाले टाइम में बताने जा रहा हूँ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, और कौन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, कौन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसकी बात कर रहा हूँ, ह्यूमन की। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात होती है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात होती है, ठीक है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग रट लेते हैं कि टेस्टिस जो होता है वो प्राइमरी होता है, तो मैं बताता हूँ क्यों होता है। तो सबसे पहली बात समझिए कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है हमेशा वो होता है जो क्या करता है, गैमीट बनाने का काम करता है। जो गैमीट बनाता है वो कहलाता है हमेशा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो मेल में गैमीट कौन बनाता है, टेस्टिस, इसीलिए टेस्टिस को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो इसको छोड़ के जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी और ऑर्गन्स होते हैं रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सारे के सारे जो होते हैं वो कहलाते हैं क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो इसमें कौन कौन से आ जाएगा आपका, इसमें आपका आ जाएगा रीटे टेस्टिस, वासा इफरेंसिया डिफरेंस, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमस, आपका आ जाएगा एसेसरी ग्लैंड्स, आपका पेनिस, ये सब के सब जो है आ जाएंगे किसके अंदर आ जाएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है टेस्टिस। तो टेस्टिस को हम तो थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे और पूरे के पूरे नेटवर्क को हम लोग यहाँ पर देखने का काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर टेस्टिस जो होती है वो होती है यहाँ पे पेयर्ड फॉर्म में होती है, दो टेस्टिस पाई जाती है ह्यूमन मेल में। और ये जो टेस्टिस होती है वो क्या होती है, ओवल इन शेप होती है, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवल बना दिया है बट कोई बात नहीं, ओवल इन शेप होती है। और ये जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते क्या हैं, स्कोर्टम, स्कोर्टम कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस का ये जो विड्थ अगर आप देखोगे तो करीब करीब होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, और इसकी लेंथ अगर फाइंड करोगे तो ये एडल्ट में 4 से 5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। अगर मैं बात करूं इसके वेट की तो वेट जो होता है वो करीब करीब 25 ग्राम होता है एक टेस्टिस का, 25 ग्राम होता है एक टेस्टिस का अगर वेट बात करूं। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये जो टेस्टिस होता है उससे स्पर्म निकलकर किस तरीके से वो पूरा वासा डिफरेंस में आता है। तो इसके लिए मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा, इसके अंदर मैं किसी स्ट्रक्चर में नहीं जाने वाला हूं। आज मैं सिर्फ पाथवे के बारे में बात करूंगा, चूंकि ये पार्ट वन है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका फ्रंट व्यू पढ़ेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पर मिटाने का काम करता हूँ और उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका फ्रंट व्यू मैं आपको आपसे शो करूँगा, तो बहुत इजीली आप उसका स्ट्रक्चर भी बना पाओगे। देखिए, अगर मैं टेस्टिस की बात करूँ तो हम लोग में कितने टेस्टिस होते हैं टोटल, दो टेस्टिस में बना लेता हूँ इस तरीके से। देखिए, दो टेस्टिस बन गया, और जो भी इसके अंदर नेटवर्क ऑफ जो भी इस वेसल्स होती हैं वो क्वाइल्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होती हैं, और वो इस तरीके से मैं क्वाइल्ड नेटवर्क को दिखाता हूँ। देखिए, इसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं एक्सटर्नली मैं फ्रंट व्यू दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो जो भी कुछ स्पर्म है वो इस तरीके से यहाँ से निकल कर, है ना, यहाँ पर क्वाइल्ड पोर्शन में आती है, उसके बाद से फिर ये एक वेसल निकलती है जिसको मैं कह सकता हूँ इसका नाम होता है एसेंड जो हो रही है, इसका नाम जो होता है वो होता है वासा डिफरेंस। उसी तरीके से इस टेस्टिस का भी बना ले या नहीं बनाए तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर भी नेटवर्क ऑफ वेसल्स होंगी जिसमें स्पर्म्स आएंगे, और ये स्पर्म जो होगा यहाँ पर, ये भी यहाँ पर हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इस वेसल को, ये जो सिंगल वेसल आपको नज़र आ रही है जिससे स्पर्म ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि वासा डिफरेंस इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वासा डिफरेंस, ठीक है।
ये जो वासा डिफरेंस होती है सिंगल होती है और ये एसेंड होती है। दूसरी बात देखिए, ये वासा डिफरेंस इस तरीके से यहाँ पर आपको आती नजर आएगी। ठीक है, और वासा डिफरेंस, अब ये यहाँ पर वासा डिफरेंस एंड हो गई है। याद रखें थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर इसका बल्ज्ड भी होता है, या आप इसको यहाँ बना सकते हो। ठीक है, जहाँ पर स्पर्म के स्टोरेज का भी काम होता है। इसके बाद से वासा डिफरेंस का जो भी स्पर्म है इसमें एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन मिक्स होने लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन मिक्स होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है इस तरीके से दोनों साइड। इसको हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। याद रखना यहाँ पर मैं ये जो रीजन बना हूँ ये एम्पुला रीजन है। ठीक है, मैं यहाँ दिखाने की कोशिश किया हूँ कि एम्पुला में ही जो स्पर्म होता है वो स्टोर होता है। और यहाँ पर पहला जो एसेसरी ग्लैंड मैंने बनाया वो है सेमिनल वेसाइकल, जिसके नंबर कितने हैं, दो, एक इस साइड एक इस साइड। इसके बाद से यहीं पर एक सिंगल ग्लैंड होती है कुछ इस तरीके की, सिंगल ग्लैंड होती है कुछ इस तरीके की, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है क्या होती है, सिंगल होती है। और इसका जो भी कुछ सिक्रीशन होता है, इसका जो भी कुछ सिक्रीशन होता है वो इस में आता है, जो भी कुछ इसका सिक्रीशन होता है। देखना सिंगल है, पीछे से ऐसे घूमी हुई है। ठीक है, और जो भी कुछ सिक्रीशन है उसमें आके यहाँ मिक्स होता है। फिर एक और एसेसरी ग्लैंड यहाँ हमको नज़र आती है। ठीक है, एक और एसेसरी ग्लैंड यहाँ पर हमको नज़र आएगी इस तरीके से, जिसको हम लोग कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या कहेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में क्या है, सबसे पहले कौन सी पड़ी है, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड। ये क्या है, पेयर्ड है। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो जस्ट पेनिस के टिप पर होती है, पेनिस के टिप पे होती है। मान लीजिए कि पेनिस है ये, इसके क्या होती है, टिप पे होती है। तो इसके लोकेशन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद से ये यहाँ पर साइड साइड में, जैसे हमारे हाथ के साइड में यहाँ हमको यहाँ पर फील होता है एक दो बोन यहाँ पे निकले हुए हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है जो कि छोटी छोटी होती है। ये भी क्या होती है, पेयर्ड फॉर्म में होती है। और उसके बाद से ये जो यूरेथ्रा है वो एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड करता है और थोड़ा सा यहाँ पे आके बल्ज हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा और यहाँ पे आएगा। और इस तरीके से यहाँ पर ये जो है पेनिस का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, पेनिस। ठीक है, और ये क्या है, ये रीजन क्या कहलाता है, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि ये जो यूरेथ्रा है, देखिए ये क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, इसी यूरेथ्रा में स्पर्म भी आता है। और इसी यूरेथ्रा में आपका जो यूरिन होता है वो भी आता है। ठीक है, तो ये कॉमन पाथवे होता है, ये जो पाथवे आप देख रहे हो ये कॉमन पाथवे होता है। लेकिन मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूरिन का पाथवे डिसाइड होता है और किस तरीके से स्पर्म का पाथवे डिसाइड होता है, कहाँ कहाँ वो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। तो ये एक फिगर बेस्ड जो भी लेक्चर मैं ले रहा हूँ वो प्रयास कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह से अरेंज होती हैं यहाँ पर। तो ये पेरिस है, ये यूरेथ्रा है, ये क्या है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पर ये क्या है सेमिनल साइकिल ग्लैंड, ये है वासा डिफरेंस। ना मैं टेस्टिस के अंदर गया हूँ, ना मैंने किसी का फंक्शन बताया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक जनरल फिगर देख रहे हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो होंगे उसमें मैं कंटिन्यू करूँगा, इसमें और एलाबरेट करेंगे और एक एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग रहने देते हैं। सो थैंक यू सो मच, और आगे आप लोग बने रहिए।